आतंकवाद ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, लेकिन पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तानी मीडिया इन दिनों भारत का नाम ले रही और कह रही कि भारत हमारी मदद करेगा, भारत को पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी शायद ये भूल गए कि पाकिस्तान ने खुद भारत से कारोबारी रिश्ते तोड़े हैं और इसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हालत यह है कि वो कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांग रहा, क्योंकि जो चीजें उसको भारत सस्ते दामों में दे सकता है उसे अब वो महंगे दामों पर पश्चिमी देशों से लेने को मजबूर है। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ कारोबार को लेकर बड़ा बयान दिया और जो पाकिस्तान की मीडिया और आवाम बार बार कह रही कि भारत को कारोबार शुरू कर देना चाहिए, उसका भी जवाब दे दिया। दरअसल ये जवाब पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त सुरेश कुमार ने दिया और साफ कहा कि भारत की ओर से किसी भी पाकिस्तान के साथ कारोबारी रिश्तों को खत्म नहीं किया गया, हम कारोबारी रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बयान पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त सुरेश कुमार ने तब दिया जब वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित कर रहे थे। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहता है क्योंकि हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते हैं, हम पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंधों की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ व्यापार भी नहीं रोका, पाकिस्तान ने खुद व्यापारिक रिश्तों को रोका है। देखना बेहतर होगा कि हम अपनी समस्याओं और स्थितियों को कैसे बदल सकते हैं। भारत इस बात पर कायम रहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। भारत की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे और आतंकियों को बढ़ावा न दे, ये सुनिश्चित करना पाकिस्तान का काम है। चलिए अब ये जानते हैं भारत से व्यापार न करने के फैसले से पाकिस्तान को कितना घाटा हुआ और भारत ने किन आंकड़ों के आधार पर ये बयान दिया। दरअसल आंकड़ों से पता चला है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार 2020 से 21 में 329.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2019 से 20 में 830.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा की संख्या में गिरावट आई है। बहरहाल जोर देकर उन्होंने कहा कि संख्या अब बढ़ गई है क्योंकि हर साल 30,000 वीजा जारी किए जा रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी संख्या थी। खैर, भारत ने साल 2019 में जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, तब पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को खत्म कर दिया था। साथ इस्लामाबाद ने अपने उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता भारत को पुकार रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अगर भारत ने साथ नहीं दिया तो वो खत्म हो जाएगा। भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर दिए गए इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। और ये भी बताइए कि भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।